हे एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं स्पेशली जिनके साथ ऑनलाइन स्कैम्स हो चुके हैं और जिन्होंने थाने में FIR करवा रखी है या फिर कंप्लेंट कराई है। और यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखे उन्होंने क्या कर दिया है कि अपने फ़ोन नंबर वहाँ पे यूट्यूब पे छोड़ दिए हैं या फिर अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है, सर मेरा भी पैसा चला गया है, पैसा वापस नहीं मिल रहा, प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स वीडियोस पे तो वो इन स्कैम्स के विक्टिम्स बन रहे हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मेरा नाम है सुधीर वशिष्ठ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सुधीर पे, जहाँ मैं आजकल आप लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के आए दिन नए स्कैम्स के खुलासे कर रहा हूँ, जिसके विक्टम्स आप में से ही कुछ लोग आए दिन बन जाते हैं। तो गाइस, फेक आईडी बना रखी है रोहित नाम से, मुझे नहीं पता ये रोहित असली नाम है या नकली, पर ये बंदा क्या कर रहा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी जितने भी लोग स्कैम्स की वीडियो बनाते हैं उन सभी यूट्यूब चैनल्स पे जाके कमेंट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने कमेंट करी है। जैसे आप ये देखिए, सर ए फ्रॉड आज मेरे साथ हो गया है सर, और मेरी मनी रिटर्न मिलेगी क्या? इस तरीके से इस बंदे ने क्या कर रखा है, सबको कमेंट कर रखी है। तो मैंने सोचा यार इसको कॉल करी जाए। एक्चुअल में आप में से एक सब्सक्राइबर ने बोला कि सर ये सर जो हैं ये सर CBI से कॉल कर रहे हैं और मनी रिफंड की गारंटी देते हैं। मैंने कॉल कर लिया सर को। कॉल रिकॉर्डिंग मैं इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब मैंने सर को कॉल करा तो सर ने मुझे व्हाट्सएप पे ही तुरंत अपना मैसेज का रिप्लाई करा और बोला कि सर जो साइबर सेल है और दिल्ली पुलिस है यानी कि वो आपसे चार्ज करती है 1500 रुपये और आपका पेमेंट रिफंड करा देती है। और आपको गाइस बता दूं, मैं 1500 रुपये जो बंदे ने बताया मैंने उसको 10,000 का स्कैम बताया। अगर आप 1,00,000 का बताओगे तो बंदा बोलेगा सर 10,000 रुपये हम चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट फीस है ये आपकी, आपको देनी पड़ेगी और हम पेमेंट रिफंड कर देंगे। तो सर बंदे ने मुझे डिटेल भेजी। तो यहाँ पे ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, मेरा बैंक अकाउंट नंबर मांगा था इस बंदे ने, तो मैंने रैंडमली कोई भी नंबर इसको दे दिया, ठीक है, और एक हवाबाजी में ये उठा के कोई भी कोड दे दिया IFSC कोड। अब मैंने बोला कि सर मैं ना UPI नहीं कर सकता आपको, मैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करूँगा। तो इसने क्या करा, मुझे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दे दी, ये रहा बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये इसका IFSC नंबर है बैंक का, और साइबर सेल के नाम से अकाउंट होल्ड हो रखा है ये, पता नहीं ये नाम ओरिजिनल है या फेक है। पर आगे आप देखिए, मैंने क्या करा सर, मैंने से पूछा कि भाई आपने अपनी ब्रांच कौन सी बताई है, तो भाई बताता है सर साइबर ब्रांच दिल्ली मैंने बताई है। इसके बाद मैंने इसने जो मुझे अकाउंट नंबर भेजा था वो मुझे कंफर्म करना था, ताकि मैं FIR जब फाइल करूँ इस बंदे की पुलिस कंप्लेंट तो उसमें मैं मेंशन कर सकूँ सर आपको 1 रुपये सेंड किया है, एक बार देखो आ गए क्या, फिर मैं पूरा सेंड करवा देता हूँ। तो इसने कहा ओके कर दो, ओके ओके कर दो। मैंने पूछा आ गए ना सर, इसने कह दिया हाँ आ गए। बस ये लास्ट में फिर रिफंड की 100% सर यहाँ गारंटी दे रहा है आपको, ठीक है। अब आपने देखा मैंने इस बंदे से बात करी, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए थी वो इसने दे दी, जिससे इसको ट्रैक डाउन करा जा सके। अब मैंने वो सारी डिटेल्स क्या करा, आप देख सकते हैं ACP दिल्ली साइबर सेल, साइबर सेल को NCRP नॉर्थ सेल जो पुलिस है, एडिशनल कमिश्नर साइबर टैग, और जो सेंट्रल बैंक है उसमें मैंने ये सारी जगह मेल कर दी। और ये मैंने लिख दिया आई एम अ यूट्यूबर मेकिंग वीडियो टू अवेयर पीपल, और ये सारी मतलब भसड़ लिख दी। और यहाँ ये स्क्रीनशॉट लगा दिया उसकी कमेंट का, ये बैंक अकाउंट डिटेल का सर मैंने, और ये वो जो आप लोगों के पैसे लेता है। अब क्या हुआ, बैंक का जो ईमेल आईडी था वो गलत मिला मुझे सर। तो बाकी जो मेल मैंने इन लोगों को करे थे दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस ने क्या करा सर, मेरे को ये मेल कर दिया कि यू आर रिक्वेस्ट एदर यूज टू फैसिलिटी द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और विजिट लोकल पुलिस स्टेशन टू लॉज योर कंप्लेंट। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई सर कि ऑनलाइन कंप्लेंट के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। उसके बाद ये सारे मेरे मेल फॉरवर्ड कर दिए गए ACP को, स्पेशली साइबर सेल को, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, DCP नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और मेरे को ही वापस इन्होंने ऐड कर दिया, और ये उस बंदे की डिटेल है। अब देखो इस बंदे की डिटेल बताने से पहले मैं बताता हूँ यार, मैं बड़ी उम्मीद करके मेल करा था मैंने ये साइबर सेल और दिल्ली पुलिस को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ मेरा कोई ऐसा रिश्ता है कि जिनके साथ स्कैम होता है वो मेरे भाई बहन चाचा ताऊ को ही लगते हैं, पर वो लोग बहुत मासूम है सर जिनके साथ स्कैम होता है। अब बात करेंगे ना, अगर मैं ऑडियो कॉल आपको नहीं सुना सकता, अगर सुनाऊँ ना सर आप बोलेंगे कितने मासूम लोग हैं,
और किस तरीके से उनके साथ ठगी हो जाती है, तो वो सुन के ना दुख होता है सर। और अगर हम देश की युवा अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा सर? हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को पहले ही फिक्र नहीं है, जो आजकल हमारे लीडर्स हैं उनको सर दुनिया की हर चीज़ की चिंता है, उनको सरकारी बिलों की चिंता है, उनको नई पॉलिसीज़ की चिंता है, लेकिन सर उनको उस चीज़ की चिंता नहीं है जो एक्चुअल में उनका फ्यूचर है, यानी कि हम लोग आज के युवा, ठीक है, उसकी किसी को चिंता ही नहीं है, उसकी कोई साला बात ही नहीं करता है इस देश के अंदर, ठीक है। खैर, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो अंदर बातें भरी हुई हैं, ठीक है। बस हर कोई अपनी अपने राग गा रहा है, और यही चीज़ है जो आप लोग कहते हैं ना कि लोग देश छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, ऐसे प्रशासन, सरकार और आप ही में से कुछ ऐसे लोग जो मजबूर करते हैं कि पढ़ो लिखो और देश छोड़ के चले जाओ। क्योंकि क्या करें सर, अभी ये कंप्लेंट करी पूरी डिटेल के साथ, पर ये बंदा कल रात मैंने चेक करा, ये आप देख सकते हो लास्ट सीन यस्टरडे, ये रात सुबह मैंने चेक करा था, ये बंदा ऑनलाइन है, इसके ऊपर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, मज़े से धड़ल्ले से स्कैम कर रहा है, ठीक है। इसका फालतू का ये फेक एड्रेस या ओरिजिनल है मुझे नहीं पता, rahulsingh@gmail.com, तो ये आईडी तो पक्का फेक है गाइस, मानिए मत मानिए। और इन्होंने महिंद्रा फाइनेंस के यहाँ पे डाल रखा है, वो गलत है। पर इसका एक और रीज़न हो सकता है कि ये बंदा क्या करता हो कि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, उनके साथ स्कैम करता हो अलग अलग तरीके से लोन देने या लेने के नाम पे, इसकी पॉसिबिलिटी है 90% से ज़्यादा। तो ये भी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करूँगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी गाइस। और इसके बाद ना मैं ऑडियो क्लिप तो ऐड कर ही रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन गाइस ये सारे स्कैम्स जो होते हैं ना, इनके लिए मुझे दो दो दिन इन बंदों से आप देखेंगे बात करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। उसके लिए आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को शेयर करके और सब्सक्राइब करके। इसी के साथ गाइस, अभी इंटरनेट पे ना एक इमेज वायरल हो रही थी, जिसमें तो कुछ फॉरेनर्स ने ट्वीट करा, जब इतनी अच्छी संस्कृति है तो आप बाहर के देशों में क्यों पढ़ने जाते हैं? तो सर इसका जवाब भी आज से ठीक, मैं खुद को 1.5 साल का टाइम देता हूँ, 1.5 साल के अंदर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस बात का जवाब दूंगा। खैर, ये स्कैमर्स की सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा ये बंदा लास्ट में तो आपको पता ही है, जब व्हाट्सएप पे आप किसी को ट्रैक डाउन कर लेते हैं तो वही सेम गाली गलौज पे उतर आया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे इसकी फ़ोटो क्यों नहीं आ रही, ये डिटेल जो यहाँ पे आ रही थी अभी इसी स्क्रीनशॉट में, क्योंकि मैंने अपने दूसरे फ़ोन से लिया है, उसने मुझे मेरे एक नंबर पे ब्लॉक कर दिया जब मैंने उससे पूछा भाई ये स्कैम वगैरह क्यों करते हो। कौन बात कर रहा है? राहुल सिंह बात कर रहा हूँ, महिंद्रा फाइनेंस से। अच्छा, आपने कमेंट करी थी मेरी कमेंट के बाद कुछ पैसे अकाउंट से मेरे निकल गए थे कि आपको कॉल करूं। कितने दिन पहले निकले थे सर? 3-4 दिन हो गए। और किस टाइप का पेमेंट निकला था आपके? UPI के थ्रू। अच्छा, कॉल आया था कोई इन्फॉर्मेशन? कॉल आया था मेरे, मतलब मैंने ही कॉल करा था नेट से देख के। अच्छा, कितने निकले थे? 10,000 रुपये। किस टाइप का फ्रॉड हुआ आपके साथ? मतलब किस टाइम पे हुआ है? किस टाइप का हुआ सर? वो ना फोन पे मतलब मुझे बोला कि ऑप्शंस बताए, मैं करता गया और जैसे UPI पिन डाली हो गया वो। मैं बताना चाहता हूँ, साइबर हाँ सेल रोहित सिंह, साइबर सेल से रोहित सिंह बात कर रहा हूँ। कहाँ से सर? साइबर सेल रोहित सिंह सर। साइबर सेल? आप साइबर सेल में? जी जी हमारी जो अमाउंट कटती है सर, जो हमें कॉल बैक आती है उसकी पहले हम डिटेल चेक करते हैं, CNR नंबर से, PNR नंबर से चेक होती है। ओके वो ट्रांजेक्शन आईडी देना पड़ेगा, उसमें चेक होगी। अगर आपकी बैलेंस कटी है तो फिर आपको बैलेंस मिल जाएगी। इसके लिए सर आपको 1500 रुपये खर्चा आएगा, 1500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और ये कंफर्म है सर, वो पेमेंट रिटर्न आ जाएगी 10,000? पेमेंट अगर कट आपके अगर पेमेंट कटे हैं तो फिर आपको 100% मिलेगी यहाँ से। हाँ, कटी है सर मेरे अकाउंट से पेमेंट भी आपको मिलेगी। तो सर क्या प्रोसीजर क्या होगा ये इस चीज? ये रहेगा सर कि आपको ट्रांजेक्शन आईडी देना होगा, जो ट्रांजेक्शन आपकी कटी थी। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ हो बेल आइकन से हुआ है, नोटिफिकेशन बेल से। तो उम्मीद करूंगा सर वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ऐसे जैसा मैं आपसे कर रहा हूँ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे सपोर्ट हो सर, इसलिए ताकि आपके अपने लोग जो आपके आसपास रहते हैं वो सुरक्षित रहें, उनको पता हो कि कैसे स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है। स्पेशली उनके लिए जो आपके पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको आपने नए नए फ़ोन अभी हाल ही में लेके दिए हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।